हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट वन, ओवर अ टावर ए बी ऑफ हाइट 10 मीटर देयर इज अ फ्लैगस्ट ऑफ बी सी। ए बी एंड बी सी मेकिंग इक्वल एंगल्स एट अ पॉइंट डिस्टेंट 15 मीटर फ्रॉम फुट ए ऑफ द टावर। द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ इज 30 मीटर। स्टेटमेंट टू, ओवर अ टावर ए बी ऑफ हाइट एच मीटर देयर इज अ फ्लैगस्टाफ बी सी। ए बी एंड बी सी मेकिंग इक्वल एंगल एट अ पॉइंट डिस्टेंट डी मीटर फ्रॉम द फुट ए ऑफ द टावर। द हाइट ऑफ द टावर द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ इज एच डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मीटर्स। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट? की 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा। ओके, अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि ओवर अ टावर ए बी ऑफ हाइट 10 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर है। तो हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास टावर है जिसका फुट है ए और बी है, और ये टावर है जिसकी हाइट है 10 मीटर। ठीक है, देयर इज अ फ्लैग स्टफ बी सी। बी सी है किसके ऊपर फ्लैग स्टफ है? ये हमारा फ्लैग स्टफ है बी सी। ए बी एंड बी सी मेकिंग इक्वल एंगल एट अ पॉइंट 15 मीटर फ्रॉम फुट ए। तो एक पॉइंट है 15 मीटर दूर, इस ए पॉइंट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं सी। तो ए सी जो है वो कितना है? 15 मीटर है। तो इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ क्या है, ए बी एंड बी सी मेकिंग इक्वल एंगल एट पॉइंट 15 मीटर। तो ए बी इस पर, इस पॉइंट पर, और बी सी इस पॉइंट पर इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना है? अल्फा। द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ इसमें 30 मीटर गिवन है। अब हम हाइट निकालते हैं पहले। ओके, तो मैं यहाँ क्या लगाती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में मैं 10 अल्फा निकालूं तो 10 थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है? 10, और बेस कितनी है? 15। तो ये हो जाएगा 2/5, 2/3। 10 अल्फा की वैल्यू हो गई 2/3। ठीक है, अब मैं इसमें ए सी इसको हम डी कह देते हैं ये। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डी पॉइंट है, तो ए सी डी में मैं निकालूँ। ठीक है, ए सी डी में मैं निकालूँ इन ट्राइंगल ए सी डी में मैं 10 2 अल्फा निकालूंगी। तो 10 2 अल्फा क्या होगा? देखिए, 10 2 अल्फा, दिस अल्फा प्लस दिस वाला एंगल, ये वाला अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 10 प्लस BC अपॉन 15, 10 प्लस BC अपॉन 15। ओके, और 2 10 2 अल्फा क्या होता है? 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 10 प्लस BC अपॉन 15। अब यहाँ पर क्या है, 10 अल्फा की वैल्यू हमने अभी निकाली है। 10 अल्फा की वैल्यू है 2/3 अपॉन 1 माइनस, इसका आ जाएगा 4/9 इज इक्वल टू 10 प्लस BC अपॉन 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, और 9 माइनस 4 into 9 इज इक्वल टू 10 प्लस BC अपॉन 15। ठीक है, तो 9 4 36 अपॉन 3 into 5 10 प्लस BC अपॉन 15। तो 5 3 15 होते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास BC कितना आ जाएगा? BC इज इक्वल टू 36 माइनस 10, तो BC कितनी आ जाएगी? 26 के बराबर आ जाएगी। और BC है क्या? हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ है, वो कितनी आ गई हमारे पास? 26 मीटर आ गई है। लेकिन स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग ये हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ 30 गिवन है, तो मतलब स्टेटमेंट वन जो है हमारा फॉल्स है। स्टेटमेंट वन हमारा क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट टू चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट टू में क्या कह रहे हैं ये, इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। स्टेटमेंट टू को स्टेटमेंट टू में कह रहे हैं कि एक टावर है ए बी। ठीक है, ए बी एक टावर है जिसकी हाइट है एच। तो यहां पर हम टावर बना लेते हैं, ये है हमारा टावर ए बी जिसकी हाइट है एच।
ठीक है, अब यहाँ पर एक और फ्लैग, एक फ्लैग स्टाफ है बीसी, ये बीसी हमारा क्या है, फ्लैग स्टाफ है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं। ए बी जो है हमारा टावर है और बीसी जो है वो हमारा फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। और ए बी की हाइट हमें एच गिवेन है क्वेश्चन में, और कोई पॉइंट जो कि डी मीटर की दूरी पर है ए पॉइंट से, डी मीटर की दूरी पर है ए पॉइंट से, इसको मैं कह देती हूँ ई पॉइंट है ये। तो इस ई पॉइंट पर जो ए बी टावर एंगल बना रहे हैं वो कितना है, और वो जो ए बी बना रहा है और जो बी सी बना रहा है वो सेम है, ये वाला एंगल ए बी जो एंगल बना रहा है उसको मैंने अल्फा मान लिया, और बी सी जो एंगल बना रहा है वो दोनों क्या है, सेम है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट टू के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितनी गिवन है, वो गिवन है हमें डी सॉरी एच डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हमें गिवन है हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। अब हमें निकाल लेते हैं, अब हमें हमें निकाल नहीं है, हमें पता नहीं है सही है या नहीं। तो मैं पहले ए बी ई में, इन ट्राइंगल ए बी ई में मैं टेन अल्फा निकालूं, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितनी है डी, परपेंडिकुलर है एच, ठीक है। अब मैं लगाती हूँ इन ट्राइंगल ए सी ई में मैं टेन टू अल्फा निकालूं, तो टू अल्फा का मतलब ये एंगल, तो इसमें ये नहीं परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच प्लस बी सी अपॉन डी, ठीक है। टेन टू अल्फा का हम फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है क्या, टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू एच प्लस बी सी अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी टेन अल्फा की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा टू एच अपॉन डी अपॉन वन माइनस एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस बी सी अपॉन डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एच डी डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच प्लस बी सी अपॉन डी, तो डी से तो डी कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया टू एच डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब मैं एच को इधर ले आऊँ इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि बी सी हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से बी सी कितनी हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू टू एच डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर एच प्लस का एच क्यूब अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू, हाँ इसमें हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा एच डी स्क्वायर प्लस का एच क्यूब अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। और क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट टू में हमें फ्लैग स्टाफ की जो लेंथ हाइट गिवेन है वो भी यही है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट टू जो है हमारा वो ट्रू है, स्टेटमेंट टू जो है वो क्या है, ट्रू है। ओके, सो द फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।